नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम पेपर प्रथम में बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूनिट संख्या फोर्थ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर एकाधिकार मोनोपोली, यूनिट संख्या फोर्थ में मोनोपोली टॉपिक एकाधिकार की परिभाषा और अल्पकाल एवं दीर्घकाल के अंतर्गत एकाधिकारी किस प्रकार से मूल्य का निर्धारण करता है, उसके बारे में हम चर्चा इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मार्केट के चैप्टर में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत मूल्य व उत्पादन निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें हमने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल और दीर्घकाल में सचित्रों के माध्यम से हमने वीडियो के माध्यम से चर्चा की। इसी क्रम में हम आज मोनोपोली का चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न में ये आता है, क्योंकि कई बार पूर्ण प्रतियोगिता का प्रश्न पूछते हैं और कई बार मोनोपोली का प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले मार्केट के ढांचे के चैप्टर के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने इसके बारे में ये चर्चा की थी कि मोनोपोली क्या है। तो मोनोपोली जैसा कि दो शब्द से बना है, मोनो प्लस पोली। मोनो का मतलब यहां पर क्या हो गया, अकेला। पोली का मतलब विक्रेता। यहां पर इस बाजार में कौन होगा, सिर्फ अकेला विक्रेता होगा, जिसमें प्राइस अलग होने से एआर और एमआर वक्र क्या होंगे, गिरते हुए होते हैं, क्योंकि एकाधिकार के अंतर्गत एआर और एमआर वक्र क्या होंगे, गिरते हुए होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि प्राइस को भी अपन एआर कह सकते हैं, क्योंकि ग्राहकों से विभिन्न मूल्यों से या विभिन्न तरीकों से अलग उस वस्तु का अलग अलग मूल्य वसूल करते हैं, तो इसलिए इसे हम एआर एमआर वक्र को गिरते हुए देखते हैं। तो एकाधिकार क्या हुआ, एकाधिकार जिसमें अकेला विक्रेता होगा और अनेक क्या होंगे, क्रेता होंगे। मार्केट में प्रतिस्पर्धा की स्थिति पाई जाएगी, मूल्य विभेद होगा और स्थान का विद्यमान होगा। और जब हम अल्पकाल में एकाधिकारी का मूल्य उत्पादन निर्धारण जब करेंगे, तो अल्पकाल में असामान्य की स्थिति होगी, असामान्य लाभ की स्थिति, अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की स्थिति होगी। परंतु दीर्घकाल में मोनोपोली को इतना टाइम मिल जाता है, तो दीर्घकाल में एकाधिकार को असामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। इनके बारे में हम सचित्र बताएंगे कि अल्पकाल में क्या स्थिति होगी, जिसमें दीर्घकाल में क्या स्थिति होगी। तो हमने इसमें मूलभूत रूप से जैसे एग्जाम में आ जाए, तो सर्वप्रथम इसकी भूमिका लिखेंगे, फिर उसका सामान्य शब्दों में, फिर विशेष शब्दों में, फिर परिभाषाएं, फिर निष्कर्ष, फिर अल्पकाल के अंतर्गत कौन कौन सी स्थितियां होंगी और दीर्घकाल में क्या होगा, उनको सचित्र हमें व्याख्या के माध्यम से एक्सप्लेन करना है। तो हम आज इस चैप्टर में मोनोपोली की परिभाषा या मोनोपोली की विशेषताओं के बारे में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं। तो मोनोपोली की हम बात करें भूमिका की, तो एकाधिकार अंग्रेजी के दो शब्दों से बना है, मोनो तथा पोली से, जिसका मोनो का अर्थ यहाँ पर सिंगल या अकेला से है, और जबकि पोली का तात्पर्य यहाँ पर विक्रेता से होता है। विक्रेता, जब किसी बाजार में वस्तु का एक ही विक्रेता होता है, उसे बाजार का एकाधिकारी की व्यवस्था कहते हैं, तथा एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। जैसे डिपार्टमेंट की बात करें, बिजली डिपार्टमेंट है, विभिन्न ग्राहकों से यूनिट की रेट एक रहती है, अपन विभिन्न ग्राहकों से अलग अलग मूल्य वसूल किया जाता है। पीने का पानी, जल विभाग है, टेलीफोन डिपार्टमेंट है, रेल डिपार्टमेंट है, विभिन्न पर ये मोनोपोली के श्रेणी में आते हैं। अब बात करें हम एकाधिकार के अर्थ की, तो एकाधिकार का सामान्य शब्दों में हम बात करें, तो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें वस्तु का बाजार में एक ही विक्रेता होता है, तथा
उसके द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु के लिए बाजार में निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती हैं, वो मोनोपोली की श्रेणी में आती हैं, निकट स्थानापन वस्तुएं नहीं मिलती हैं। दूसरे शब्दों में बात करें मोनोपोली की, तो एकाधिकार बाजार की वह अवस्था होती है जिसमें अकेला विक्रेता होता है तथा अनेक क्रेता होते हैं तथा वस्तु विभेद हैं, वस्तु का मूल्य अलग अलग होता है। तो ये इसकी सामान्य शब्दों में और दूसरे शब्दों में डेफिनेशन होगी। अब बात करें उसकी परिभाषाओं के। एपी लर्नर के अनुसार, एपी लर्नर कहते हैं कि एकाधिकारी का तात्पर्य उस विक्रेता से है जिसकी वस्तु का मांग वक्र क्या होगा, गिरता हुआ होगा। ARMR वक्र क्या होगा, AR वक्र को डिमांड करो भी कहते हैं, वो क्या होगा, गिरता हुआ होता है। प्रोफेसर वाटसन कहते हैं कि एकाधिकार एक वस्तु का अकेला उत्पादक होता है जिसकी कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती है। अब हम निष्कर्ष रूप से बात करें कि निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि एकाधिकारी बाजार में अकेला विक्रेता और अनेक क्रेता होते हैं और वस्तु की पूर्ति का पर इसका पूर्ण नियंत्रण होता है एवं प्रतिस्थापन वस्तुएँ का अभाव होता है तथा दीर्घकाल में असामान्य लाभ कमाता हुआ या दीर्घकाल में असामान्य लाभ कमाता है। अब इसकी विशेषताएं इस परिभाषाओं में आ गई, कौन कौन सी विशेषता होगी। पहली विशेषता तो होगी यहाँ पर अकेला विक्रेता होगा। प्रभावपूर्ण निकट प्रतिस्थापन वस्तुओं का क्या होगा, अभाव होगा। फर्म और उद्योग एक दूसरे के क्या होंगे, पर्यायवाची होंगे। कोई भी नई फर्में हैं उसका प्रवेश पर प्रभावपारी रोक, प्रभावपूर्ण रूप से रोक होगी, कोई भी फर्म इसमें प्रवेश इंटर नहीं कर सकती हैं। और वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होगा, जो वस्तु की सप्लाई उस पर पूरा क्या होगा, कंट्रोल होगा, ये इसकी विशेषताओं में आती है। बेलौजदार मांग होगी, दीर्घकाल में अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा और अत्यधिक क्रेता होंगे, ये विशेषता है। वस्तु विभेद पाया जाएगा और मूल्य विभेद पाया जाता है। अब हम बात करें एकाधिकार में मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण की, तो एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य उत्पादन निर्धारण अल्पकाल में मूल्य और उत्पादन निर्धारण तथा दीर्घकाल में मूल्य उत्पादन निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार से मोनोपोली के अंतर्गत अल्पकाल और दीर्घकाल के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण में अहम भूमिका होती है। तो इस प्रकार से अल्पकाल में मूल्य उत्पादन निर्धारण की हम बात करें तो तीन स्थिति हमारे सामने आती है, क्योंकि अल्पकाल में एकाधिकारी के पास बहुत कम समय होता है, वह अपने स्थायी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में नहीं होता है और उत्पादन के वर्तमान साधनों की पूर्ति में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ा सकता है। ऐसी अवस्था में बाजार में पूर्ण मूल्य निर्धारण पर मांग पक्ष का ही प्रभाव रहता है और अल्पकाल में ही इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। तो एकाधिकार में अल्पकाल में तीन अवस्था सामने आती हैं अल्पकाल के दौरान। पहली है असामान्य लाभ, अब नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरी है सामान्य लाभ, नो लॉस नो प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट भी इसे कहते हैं, और तीसरी स्थिति एकाधिकार में अल्पकाल में हानि की होती है, लॉस की स्थिति सामने होती है। ये कब होती हैं, जब ARMR वक्र या आगम से लागतों के क्रियान्वयन पर होती हैं, उनकी अवस्था हम देखेंगे। जब लागतें अधिक हों, रेवेन्यू कम हो, तो क्या होगा, हानि स्थिति होगी, और जबकि लागतें कम हो, रेवेन्यू ज़्यादा हो, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सामान्य लाभ। जहाँ पर लागतें और रेवेन्यू, कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल होंगी, वहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति सामने होती है। तो इस प्रकार से हम बात करें कि अल्पकाल में एकाधिकारी के पास बहुत कम समय होता है, वह अपने स्थायी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में नहीं होता है, वह उत्पादन के वर्तमान साधनों द्वारा पूर्ति में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ा सकता है। ऐसी व्यवस्था में बाजार में मूल्य निर्धारण पर मांग पक्ष का ही प्रभाव रहता है, जबकि अल्पकाल में इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। एकाधिकारी की अल्पकाल में तीन अवस्था होती है, जैसा मैंने आपको बताया, सामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि की स्थिति होती है। अब बात करें हम
असामान्य लाभ की, तो असामान्य लाभ की स्थिति इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर कॉस्ट कम होंगी और रेवेन्यू अधिक होगा, तो वहाँ पर सामान्य लाभ असामान्य लाभ होगा। तो किस प्रकार से, तो मैंने आपको बताया AR और MR वक्र क्या होंगी, यहाँ पर गिरती हुई होती है। AR MR वक्र क्या होंगी, गिरती हुई स्थिति में होंगी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कॉस्ट रेवेन्यू क्या होंगी, अगर कॉस्ट कम होंगी और रेवेन्यू अधिक होगा तो वहाँ पर सामान्य लाभ की स्थिति, असामान्य लाभ की स्थिति प्राप्त होती है। तो ये अपनी रेवेन्यू की स्थिति हो गई, ये अपनी कॉस्ट। तो यहाँ पर फर्म की हम बात करें तो सामान्य असामान्य लाभ, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जिसका रुपए काटे दें, वहाँ पर ये स्थिति क्लियर हो जाए, ये मार्जिनल कॉस्ट। तो इस प्रकार से ये असामान्य लाभ की स्थिति होगी जहाँ पर रेवेन्यू पे मार्जिनल कॉस्ट अगर कम है। अब बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जहाँ पर फर्म को नो लॉस नो हानि होती है। जैसा AR और MR वक्र क्या होंगी, गिरती होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि प्राइस विभेद होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो इस करो पे AR वक्र पे अपना अगर एवरेज कॉस्ट काट दें तो वो इक्विलिब्रियम की स्थिति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर साम्य की स्थिति बिंदु ये दो हो गई, यहाँ पर सामान्य लाभ नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति अपने सामने होती है। ऐसी स्थिति जब जहाँ पर लागतें और रेवेन्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब बात करें हम लॉस की, तो हानि की स्थिति तभी होगी जब फर्म को लागतें अधिकारी हैं और रेवेन्यू कम आ रहा है, उस स्थिति में फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पर AR और MR वक्र, जो AR और MR ये लागतें हैं, लागतें में कॉस्ट का जब निर्धारण, अधिक लागतें अपनी आ जाएगी तो वहाँ पर फर्म को क्या होगी, यहाँ पर तो AR MR गिरती होगी तो वहाँ पर फर्म को क्या होगी, हानि की स्थिति उत्पन्न होगी। तो हानि तभी होती है जब अपनी लागतों का सही तरीके से क्रियान्वयन, यहाँ पर अपनी कॉस्ट है ये रेवेन्यू है। तो इस प्रकार से हम निर्धारण कर सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट MR, मार्जिनल कॉस्ट AR कॉस्ट ज़्यादा होती हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इसमें स्थिर होती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, वहाँ पर इस स्थिति में हानि की स्थिति पैदा होती है। अब हम बात करें यहाँ पर असामान्य लाभ की, थोड़े इसकी व्याख्या की। तो असामान्य लाभ, सामान्य रूप से एकाधिकारी अल्पकाल में सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त करता है। अल्पकाल में इसका साम्य उस बिंदु पर होगा जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट बराबर MR हो। अल्पकाल में असामान्य लाभ से अधिक लाभ तब होगा जब लागतें कम और आगम अधिक हों। अब सामान्य लाभ की बात करें तो अल्पकाल में केवल एकाधिकारी के अंतर्गत सामान्य लाभ कमाती हैं, जबकि फर्म सीमांत लागत वक्र मार्जिनल कॉस्ट ने फर्म के सीमांत आगम वक्र को ई बिंदु पर काट रहा है, वह फर्म का संतुलन बिंदु है और एकाधिकार को सामान्य लाभ प्राप्त होने के लिए औसत लागत और औसत आगम दोनों बराबर स्थिति में होनी होती हैं। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट बराबर MR होंगी। और अब बात करें हम हानि की। यह आवश्यक नहीं कि एकाधिकारी को सदैव लाभ ही प्राप्त होता रहे, अल्पकाल में हानि की स्थिति भी हो सकती है। हानि की स्थिति उसी कंडीशन में होगी यदि फर्म की उत्पादन लागत अधिक है और मांग कम होने से मूल्य कम हो जाता है, तो वह औसत लागत से वसूल नहीं कर पाता तो हानि उठाते हुए उत्पादन करेगा। तो इस प्रकार से लागतें अधिक होगी तो आगम कम होगा तो हानि की स्थिति होगी। अब हम दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल में असामान्य लाभ की स्थिति ये होगी, यहाँ पर लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग टर्म एवरेज और रेवेन्यू, ये है स्थिति अपनी दीर्घकाल में होगी। तो दीर्घकाल में फर्म को असामान्य लाभ होता है क्योंकि अकेला होता है इस प्रकार से। तो दीर्घकाल में एकाधिकारी के पास इतना अधिक समय होता है
कि वह अपने स्थिर साधनों में परिवर्तन करके, फर्म के आकार में परिवर्तन करके उत्पादन की मांग मात्रा को मांग के अनुरूप समायोजित कर सकता है, परंतु एकाधिकार की व्यवस्था में कीमत औसत लागत से अधिक होती है, या अर्थात दीर्घकाल में वह असामान्य लाभ या सामान्य लाभ से अधिक लाभ या अधिकतम लाभ कमा पाता है। इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य उत्पाद निर्धारण किस प्रकार होता है। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।